नमदूल सल्ल रसूल करीम अमादाद फ़ौज़ीम बसमिलीम माइन मैन मिज़ा शरफ़ी और आप लिख रहे हैं ऐश लर्निंग क्या हाल है स्टूडेंट्स आई थिंक सो आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट्स आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है और अच्छा भी है टॉपिक ये है कि वर्चूअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए गुड न्यूज़ है गुड न्यूज़ क्या है यह है कि डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के थ्रू डिजिटल स्किल हमें फ़िफ्टीन कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है और इन कोर्सेस का सर्टिफिकेट भी मिलते हैं सो so, ये फ़िफ्टीन कोर्सेज़ कौन से हैं ये फ़िफ्टीन कोर्सेज़ आपने अप्लाई कैसे करने हैं आप कितने कोर्सेज़ अप्लाई कर सकते हैं और आप कितने कोर्सेस अप्लाई नहीं कर सकते कितनी लिमिट होगी टाइम ड्यूरेशन कितना होगा डिजिट स्किल का ये सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं सो so, सबसे पहले तो हम कोर्सेज की तरफ जाते हैं इसमें फिफ्टीन कोर्सेस है जिन्हें इन्होंने अभी न्यू अपडेट भी किए हैं सबसे पहले तो फ्री ये मस्ट है आपने करना है ग्राफिक डिजाइनिंग है डिजिटल स्किल है वीडियो एडिटिंग है कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स हैं एस है वर्ड है विजुअल असिस्टेंट है नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग है एफिलेट मार्केटिंग है एंड डेटा एनाल्टिक है ई कॉमर्स मैनेजमेंट है सो so ये कोर्सेज़ है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री लॉन्सिंग इज़ आ मस्ट क्योंकि अगर आप इन कोर्सेज़ को अच्छी तरह विल करेंगे तो आपको फ्री लॉन्सिंग करनी होगी तो फ्री लॉन्सिंग के अलावा आप एक और कोर्सेज है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सेलेक्ट किया था लास्ट टाइम सो मैंने फ्री लॉन्सिंग अ मस्ट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेकेंड ऑप्शन ठीक है इसके अलावा आप कोई दो के अलावा आप थर्ड नहीं कर सकते कोर्सेज सेलेक्ट नेक्स्ट चलते से हैं कि हमने इसकी इनमेंट कैसे करनी है सबसे पहले तो हमने इनको अपना डाटा प्रोवाइड करना है पहले हमने फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस और जो भी आपने पासवर्ड रखना है वो रख के आपने सबमिट करवा देना है जब आपने सबमिट करवा देना फिर आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा तो आपने फर्स्ट नेम मिडल नेम एंड लास्ट नेम जेंडर आपका जो भी है ठीक है आपने बर्थ ऑफ डेट अपनी देनी है नेक्स्ट आपने अपने सी एन आई सी नंबर देना है या फिर जो बे फॉर्म है जिसका सी एन आई सी नंबर नहीं है तो बेफाम नंबर दे सकता है पर्सनल पेरेंट्स या ग्रेडियन जो आपका भी होगा पर्सनली होगा फिर आपने कंट्री अपना देना है नेशनैलिटी देनी है सिटी देनी है ठीक है मेलिंग एंड पोस्टल एड्रेस इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी ठीक है तो ये है जो आपका एड्रेस है ठीक है जो भी आपका एड्रेस है जो आपके घर का है घर का एड्रेस आपने अपना ही देना है जहाँ आप रहते हैं जहाँ वैसे इसका कोई सीन नहीं है कि आपको ईमेल वगैरह ईमेल के थ्रू ही आपको सब कुछ आएगा ये घर में कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं आ सकता सो so, नेक्स्ट आपके मोबाइल नंबर पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप तो यस yes, पर्सनल होगा इंटरनेट फैसिलिटी क्या है इस पे आपने खुद ही सॉल्व करना है नेक्स्ट है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है स्पेशलाइजेशन आपकी किस में है कंप्यूटर साइंस में है इंजीनियरिंग में है बायोलॉजिकल साइंस में है ईटीसी ठीक है आपके करंट स्टेटस क्या है स्टूडेंट हैं हाउस वाइफ हैं एम्प्लॉय हैं अनएम्प्लॉय और आपका नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है जॉब करना ओन बिजनेस या फिर फ्रीलांसिंग मैंने फ्रीलांसिंग में सेट किया क्योंकि हम फ्रीलांसिंग ही सीखेंगे इस कोर्स में नेक्स्ट है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता भी है या नहीं ठीक है फिर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशनल है या नहीं ठीक है नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू लर्न आप इसमें क्या लर्न करना चाहते हैं कि कौन से कोर्सेज आप सेलेक्ट करेंगे लेकिन याद रखिएगा इसकी इनमेंट आपको एक महीने बाद इनमेंट का कहा जाएगा तो आपने वो करनी है ये तो जस्ट एज अ स्नैरियो है कि हम उन्होंने देखना है कि कितने बच्चे कौन कौन से कितने बच्चे फ़ील्ड में गए हैं सो फ्री लांसिंग और वर्चुअल असिस्टेंट हमने किया आप जो उन मर्जी कर सकते हैं बेस्ट यही है कि आप किधर गया कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ठीक है और कम्युनिकेशन स्किल्स क्रिएटिव जो भी आपका करना चाहते हैं आप कर ले इसमें ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहाँ जाके विजिट कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम वेयर डिड यू हेअर अबाउट दिस आपने ये कहाँ से सुना मैंने तो इंस्टाग्राम से देखा था लेकिन मुझे ऑलरेडी पता था कि इसकी इनरोलमेंट हो रही है तो आपने कहाँ से देखा था आपने बता देना है और आर यू फेमिलर विथ फ्री नो सो आपने सेपमिन क्रिप में क्लिक कर देना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपको ई मेल में एक पासवर्ड ई मेल में आपको टेल बताया जाएगा कि ये आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है आपने बस को वेरीफिकेशन करनी है और इसमें अभी एल एम एस कैसे डाउनलोड होगा कैसे आप यूज़ करेंगे ये सब मैंने पहले लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ सो आपने डिस्क्रिप्शन में जाकर विज़िट कर लेना है और ये थी आज की वीडियो व बलागुल मुबीन Bleep, bleep, bleep,